वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली सीरीज में हमने बात करी थी, आप रशिया पहुंच गए या जो पहुंच चुके हैं वो रशिया जैसे ही पहुंच गए हैं तो उनको इंडियन रेस्टोरेंट्स की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। आज हम बात करेंगे 21 इंडियन रेस्टोरेंट्स इन मॉस्को, जहां आप जा सकते हैं और इंडियन फूड का लुत्फ ले सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं 21 इंडियन रेस्टोरेंट। पहला नंबर पे आता है करी इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि अर्बर स्ट्रीट पे है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको उपलब्ध किया गया है। फिर आता है जय हिंद इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि असीमोथ होटल के अंदर है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तीसरे नंबर पे मसाला हाउस आता है, जिसकी ब्रांचेज हैं। तो पहला नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे इसका फूड कोर्ट संकोलोट में आता है। फिर एक और तीसरी लोकेशन भी है इसकी, जो कि फ्रेंडशिप फूड मॉल के अंदर है। चौथी लोकेशन भी है मसाला हाउस की, जो कि बहुत ही अच्छा खाना है फूड कोर्ट गैस्ट्रोनॉमी में। इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हैं। फिर आता है ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि आर्बर स्ट्रीट पे है, बहुत पॉपुलर मॉस्को में माना जाता है। फिर आता है दरबार इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत पुराना रेस्टोरेंट माना गया है। इसका इंस्टाग्राम हैंडल है। फिर आता है देवी कैफ़े इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि यूगो ज़ापातानिया मेट्रो स्टेशन के आसपास है। फिर आता है आपका इंदस्किया तोचका, जो कि बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप देख सकते हैं। अगला है फूड कोर्ट के अंदर। फिर आता है एक और इसकी ब्रांच है, फिर फूड कोर्ट रेड रोज के अंदर इसकी ब्रांच है। बहुत ही लाजवाब खाना है इसका। फिर आता है फूडी गैस्ट्रो मार्केट में। गैस्ट्रो मार्केट में बहुत सारे फूड कोर्ट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में दो तीन आते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है। फिर आता है ढाबा इंडियन रेस्टोरेंट, इसकी दो ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच आपको स्क्रीन पे दिखती है, फिर आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखती होगी, जो एस्ट्रोस होटल में है। इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप देख सकते हैं। फिर आता है देओनीस कैफ़े इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया के अंदर है। इसका फेसबुक हैंडल भी है। अगला है खजुराहो इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि बहुत पुराना बहुत माना गया इंडियन रेस्टोरेंट है। इसका फेसबुक हैंडल भी है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आता है बायतेक इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसकी लोकेशन भी आपको दिया गया है इंस्टाग्राम हैंडल के साथ। फिर आता है आईताल कॉर्नर इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि हाईवे पे है। बहुत ही लाजवाब खाना है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगला आता है हेलो इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा खाना है। इसका इंस्टाग्राम हैंडल है। फिर आता है सातवां इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि बहुत लाजवाब खाना है। इसका इंडियन शेफ्स हैं, बहुत ही शानदार हैं, आपके मुताबिक खाना बनाते हैं। तो इसकी तीन ब्रांचें हैं और इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर आता है इंडियन रेस्टोरेंट शिवम, जो कि नया खुला है, बहुत ही अच्छा खाना है इसका। फिर आता है इंदिस्की इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि फूड कोर्ट के अंदर है। अगला आता है शिकारी इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम हंटर भी कहा जाता है। तो आप इसकी बहुत सारी लोकेशंस हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और आप इसको इनकी ऐप के द्वारा इनको खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने होटल के अंदर। तो बहुत अच्छा खाना माना जाता है और बहुत ही शानदार इसके रिव्यूज़ हैं गूगल पे और गैंडेक्स पे। तो आप इसको विज़िट ज़रूर कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। अगला आता है आपका शांताराम इंडियन रेस्टोरेंट, जिसकी दो लोकेशंस है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगला आता है मॉस्को दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट। फिर आता है करी अप इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर आता है डब्बा वाला, जो कि बिसाइड वन ओपन फ्रेंडशिप फॉर एवर के पास है। फिर आता है गंगा कैफ़े इंडियन रेस्टोरेंट। फिर आता है इंडियन बिरयानी हाउस, जो कि बिरयानी लवर्स हैं वो आप यहाँ पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Hope you like it.